इधर 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 चलो 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 आगे तक चले जाओ ना। उधर घूम जाओ, उधर उस साइड जाओ। या नीचे आ जाओ। कौन सा चैनल है? IVC 20। चलो 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 पहली बार घुसे हम भी और तुम भी। तो यहाँ पर हम भी पहली बार ही घुसे और आप लोग भी पहली बार हो। खोल गए एक मिनट मेरे को जाना। नाम लाखन सिंह यादव ना सर। आप क्या है यहाँ पर? यहाँ सुपरवाइजर पोस्ट है मेरी। लाखन भाई ये जो आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं यहाँ पर क्या सुरंगें मिली हैं? हाँ वो बेसमेंट है पुराने बने हुए हैं तो राजा के जमाने के बताते हैं लोग। आप अंदर भी जाके देखा है तो हैं पुराने। क्या लगता है क्या बता रहे हैं लोग जो सुरंगे हैं वो कहाँ तक जा रही है? वो राजवाड़े कहीं छतरी पुरानी हैं या इंदौर के अंदर वहाँ तक जा रही है। वहाँ तक जा रही है। हाँ बता रहे हैं। कितने दूरी पर होंगी कुछ अंदाजन? अब इतनी दूरी तो मुझे पता नहीं है। नाप तो इंचीटेप तो डाला नहीं है इसीलिए अपन तो यहाँ हेरिटेज का काम है वो कर रहे हैं। गेट भी लगे हैं और अंदर गेट वेट भी लगे हैं। हाँ गेट है ना बी ब्लॉक में आने से और सी ब्लॉक में जाने के लिए भी है। अच्छा पूरा मतलब प्रॉपर बना हुआ है अंदर नीचे? बिल्कुल प्रॉपर बना। कितने सालों पुराना ये स्ट्रक्चर होगा? अब हमारे डांग फाले के हिसाब से 236 साल बता रहे हैं। कम से कम 236 नहीं कम से कम है इतना तो है ही है। इससे ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा भी हो सकता है। अभी अब इसके बाद क्या यहाँ का आगे का क्या काम? अभी अपन इसको बेसमेंट तक ला रहे हैं डिसमेंटल करके। उसके बाद उसको अपन बी ब्लॉक को कम्प्लीट करके करेंगे। और आगे यहाँ पर क्या कुछ नया निर्माण होना है? अभी वो कागज आ जाएंगे हमारे उसके बाद हम पता लगाएंगे इसमें क्या है। अभी ड्राइंग फाइल पूरी हमारे पास आ जाएगी तो हम बता देंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लाखन सिंह यादव ना। हम सुपरवाइजर पोस्ट है मेरी। नहीं हो जाएगा ये पार्ट सुरक्षा रखने पर नहीं एक साइड खराब है कोई पार्ट। अरे जिन लोग चले जा रहे हैं पार्ट आ रहे हैं कर रहे हैं एक साइड रखवा दो। अरे कुंभी तो सारी यहीं पे है कुंभी अभी। अरे मैंने निकलवाई यार। चले कौन सा गिरा ये? हाँ आपका नाम बताइए। कन्हैयालाल कौशल। आप यहाँ पर किस पद पर हैं मंदिर में? मैनेजर। कब से हैं यहाँ पर, कब से नौकरी? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल। ये मंदिर कितना पुराना है, किसने बनवाया था मंदिर, और अब इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, किस तरह से क्या काम हो रहा है पूरा? ये 1832 में कृष्णा भाई होलकर द्वारा बनाया गया था। इसका लागत है 80,000 रुपये उस समय। अब जो स्ट्रक्चर तोड़ा जा रहा है वहाँ क्या तोड़ा गया? तो पहले से गिर गया है और उसका जो है रिनोवेशन हो गया है। अभी अंदर सुरंगें भी कुछ मिली? हाँ, सुरंगें हैं, वो राजबाड़े तक जाती है। बहुत पुरानी सुरंगें है। खाना वगैरह ये गोपनीय चीज़ें वगैरह ये इधर से उधर जाती थी वहाँ, मतलब राजवाड़े तक जाती थी। ऐसे कितनी सुरंगें अंदर बनी? बस एक ही सुरंग है। एक ही सुरंग? ये आप लोगों को जानकारी थी कि अंदर सुरंग है? हाँ, सुरंग है, देखा है ना। और बेसमेंट भी कुछ बने हुए हैं? हाँ, बने हैं ना। उनका क्या इस्तेमाल होता था? अब वो तो इतना पुराना नहीं मालूम, पर यहाँ पे अन्न क्षेत्र है, यहाँ खाना वगैरह लोग जनता को खिलाए थे, बाहर से साधु वगैरह आते थे तो अन्न क्षेत्र। अच्छा, अब कब तक बनकर नया तैयार हो जाएगा? क्या उसको 1.5 साल लगेगा। 1.5 साल में बन जाएगा। अब कितनी लागत आएगी इसकी बनने में? इसमें 14 करोड़ का जो है ठेका हुआ है। ठीक। आपका नाम और पद बताइए। के एल कौशल, मैनेजर, गोपाल मंदिर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सौभाग्यवती लता अरुण शौचे, पुजारन हूँ गोपाल मंदिर की। कब से? और मतलब यह हमारे 7वीं पीढ़ी है। 6 मतलब हो गई, ये 7वीं चालू है। अच्छा। मतलब तब से मतलब पूजा और सब व्यवस्था देखते हुए से। ये हाँ। जो सुरंगे उरंगे मिले, इनकी जानकारी थी आप लोगों को पहले से? हाँ, पहले से ही थी। किस काम के लिए इस्तेमाल होती थी? वही अन्न क्षेत्र, मतलब अन्न मतलब जाता था, थाली बिली जाती थी, यहाँ आती थी। हाँ, और ये कृष्णा भाई होलकर ने ये करा है। आप कभी सुरंगों से में गए हैं कभी? आप लोगों ने देखा अंदर जाके? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपका नाम बता दीजिए। लता अरुण शौचे। आपस में बात करते रहो। फिर जुलाओ।